संस्कार थाने जबलपुर में संगम बुक डिपो संचालक की मनमानी का मामला सामने आया है, जिसमें नर्मदा नगर की मुख्य सड़क पर मुरम डाल दी है, जिससे न सिर्फ आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं बल्कि वाहन सवार भी कीचड़ भरी राह से गुजरने को मजबूर हैं। जबलपुर के संगम बुक डिपो के संचालक हमेशा से ही कुछ न कुछ विवादों में घिरे रहते हैं। इस बार संगम बुक डिपो के संचालक ने नर्मदा नगर में रहने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। नर्मदा नगर के रहवासी जिस सड़क से अपना आना जाना करते हैं, उस सड़क पर संगम बुक डिपो के संचालक ने हार्ड मुरम डलवा दी है, जिससे कि नर्मदा नगर और आसपास के क्षेत्र के रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने इस बात की शिकायत गोरखपुर SDM और जिला प्रशासन को की, लेकिन कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी उनकी समस्या का आज तक कोई हल नहीं हुआ है। कि ये जो संगम बुक डिपो वाले हैं, इनका कहना ये है कि इन्होंने ये 2007 में प्रॉपर्टी ली थी। उस टाइम पे हमारी नानी जी भी थे, ये हमारा ननियाल है, और हमारे फादर भी थे। लेकिन अभी 2018 में जब से हमारे फादर का स्वर्गवास हुआ है, उसके बाद से ये हम लोगों को ये परेशान कर रहे हैं कि हमारे जो ये आधा हिस्सा जो हमारा खाली पड़ा हुआ है, ये इनका कहना है कि ये इनका है, इनका। तो इसके अपेक्ष में इन्होंने मतलब SDM से पहले एक साइड आदेश करवा लिया था, उसके बाद जब हमने कार्रवाई की, अभी केस भी चल रहा है, तो ये हमको ऐसे परेशान करते, कभी ऐसे मलबा डाल देंगे, कभी रात में यहाँ पे कार लाकर खड़े करेंगे। अभी मैंने SP ऑफिस में भी एक आवेदन डाला हुआ है इनके खिलाफ में। ये रात में कार क्या है, हम लोग चार बहनें, हम लोग लड़कियाँ हैं, तो ये रात में 11 बजे 2 बजे 1 बजे यहाँ कार लाकर खड़े करेंगे, चार लड़के रहेंगे, गाली गलौज होगी, मतलब ऊटपटांग घर करते करते उलझलूल, और कारों में मतलब फीमेल्स भी रहती हैं, और ये दारूखोरी मतलब बहुत ज़्यादा करते। और अभी मैंने जब से आवेदन डाला, तो ये इन्होंने ये रोड पर मलबा डाला है कल रात में, मतलब ये 2:30 बजे रात में आकर के डाला। अब हम 2:30 बजे रात में तो निकल के, हम लोग हमारे यहाँ फीमेल है भाई, हम बोलेंगे तो नहीं रात में 2:30 बजे निकल करके। और ये इससे मतलब अब ये है कि ये मलबे से तो हमारी पूरी कॉलोनी परेशान है। मतलब सोसाइटी में भी बात हुई थी, तो सोसाइटी में वो बोला गया है कि इनके खिलाफ ही FIR दर्ज करेंगे। ये नर्मदा नगर का खसरा नंबर 24/2 है, जो कि पूर्व से ही जब 5 कॉलोनाइजर्स इसमें आए थे, तो ये संपत्ति विवादित हुई थी। विवादित होने पर इस पर आर्बिट्रेशन बन गया था, जिसे 11 ADJ ने मान्य किया। उसके बाद हाईकोर्ट ने 2016 में 11 ADJ की डिग्री को वैलिड कर दिया, जिसकी सूचना हमारे द्वारा शासन प्रशासन को दे दी गई थी। यह अपंजीकृत दस्तावेजों को ले लेकर रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, पावर ऑफ अटर्नीज बनी है, सारी की सारी जानकारी भारद्वाज मैडम जो पूर्व कलेक्टर थी उनको थी। उन्होंने SDM को उस समय आदेश करके एक स्टे कराया, परंतु भूमाफियों के द्वारा इतना दबाव है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कि भूमाफियों के और उनके फोन जाने पर ये कार्रवाइयाँ रोक दी गई। और कार्रवाई रोक कर एक SDM अपने कलेक्टर के आदेश को खारिज कर देता है, एक TI IG और DIG की जाँचों की विवेचना को ख़त्म करते हुए रोजनामचे में फर्जी मुकदमे कायम कर देता है। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि क्या हुआ, बस एक नेता का फोन आता है और भूमाफिया को सहयोग होता है। ये रात को 1:30-2:00 बजे मल में डाल के रोडों को, कॉलोनियों को ब्लॉक करते हैं, दहशत पैदा करते हैं। संपत्ति के इकलौते मालिक त्रिलोकीनाथ कक्कड़ घोषित हैं, और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारसान डॉक्टर अरुण कक्कड़ इसके मालिक हैं। मैं उनकी तरफ से केयर टेकर कानूनी देखरेख के लिए शुरू से अधिकृत रही हूँ, और आज भी अधिकृत है। इसकी जानकारी जिला कलेक्टर को है, राजस्व मंत्रालय को है, सबके द्वारा मुझसे PDF मांगे गए हैं, नगर निगम कमिश्नर को, अवैध कॉलोनी में इसका PDF गया हुआ, मगर सिर्फ PDF मांगे जाते हैं, और जब आप जाते हैं तो वो कोरोना की गाइडलाइन बता देते हैं। और भूमाफियों के लिए कोरोना की कोई गाइडलाइन नहीं है, हमारे लिए सारी कोरोना की गाइडलाइन है।